ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेपाल सिंह राणा और आज जो हमारे बीच जो आज के मेहमान हैं आदरणीय मास्टर तेजपाल सिंह जी, वो आज हमसे जुड़ेंगे और आज हम उनसे सवाल पूछेंगे, तो कृपया आप बने रहें। बाबा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नेपाल जी। जी आवाज आ रही है बाबा जी आपको मेरी? हाँ बढ़िया बढ़िया। जी 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 ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय मास्टर तेजपाल सिंह जी। और जी। मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार से हैं, अपितु पूरा ग्राम समाज आपका परिवार है। आज मुझे कुछ क्षणों में आपके नाम लेना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं जिस मंच पे बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे निष्पक्षता से आपसे सवाल पूछने पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो जी ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है और एक मैंने ये मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात रख सकें क्षेत्रवासियों के सामने। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ नेपाल सिंह राणा, गांव मनट जनपद शामली का रहने वाला हूँ और आप हैं मास्टर तेजपाल सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं और वर्तमान में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं समाज सुधारक पार्टी और निवर्तमान अध्यक्ष रह चुके हैं क्षत्रिय महासभा जनपद शामली के और पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं गन्ना समिति थाना भवन के। तो आपका एक बार पुनः फिर स्वागत है और आज की जो चर्चा है आदरणीय मास्टर जी वो चर्चा है कहीं ना कहीं COVID-19 जो महामारी जो वैश्विक महामारी चल रही है देश में प्रदेश में, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा है। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा मैंने आपको जो है बहुत पुराने समय से देखा है, मुझे आज बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज जो मेरे सामने जो बैठे हैं पूरे जनपद भर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई वक्ता नहीं है, प्रखर वक्ता हैं आप कहीं ना कहीं। और ये मेरी निजी सोच है, तो बहुत छोटा सा था मैं तब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ। माँ सरस्वती की जो कृपा है वो आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। और जैसे कि क्रिकेट में कहा जाता है कि विराट कोहली के पास क्रिकेट के सारे शॉट हैं, तो शब्दों के जो चयन का जो एक आपके पास जो शब्दकोश है वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है हमारे जो क्षेत्रवासियों के लिए। तो मैं सवाल मेरा पहला सवाल है आदरणीय मास्टर जी आपसे कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा जी, शिक्षा और राजनीति? जी शिक्षा में मेरी शिक्षा डबल एम ए और मैं जनता इंटर कॉलेज बाट में 30 साल अध्यापन और 9 साल मैं वहीं पर कुल मिलाकर 39 साल और 9 साल मैं प्रधानाचार्य रहा। और उस काल में मेरे विद्यालय का रिजल्ट और वहां का अनुशासन देखकर बोर्ड की सेक्रेटरी प्रभात त्रिपाठी ने मुझे एक अवार्ड दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं बहुत ही जो दायित्व के साथ काम करना चाहिए उस तरह से मैंने काम किया और सामाजिक एक सेवक के रूप में मैंने राजपूत सभा के अध्यक्ष का के पद पर जब तक मैं रहा हूँ तब भी तो समाज की सेवा की। अपनी जाति के जितने भी राजपूत सभा के पर जो भी झगड़ों का उनकी लड़कियों के विच्छेद का और जो इस तरह के मामले आए वो हमने सुलझाए। गन्ना समिति में मैं 2000 थे और 2005 तक बल्कि 2005 हाँ ये हमारा कार्यकाल रहा। उसी कार्यकाल में ये मिल लगी अनावान बाजार सुगर मिल उसी समय में लगी तो जिससे किसानों की क्षेत्र की उन्नति हो। और उसके बाद मैं समाज की सेवा में अब कार्यरत हूँ। फिलहाल वर्तमान में समाज सुधारक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसमें जो है हमारी एक बहुत ही ऐसी मुहिम है जिसकी आज जरूरत है हम उस कार्य में लगे हैं। जैसे अच्छा जी
जी बताइए। हाँ बताइए। जी मेरा सवाल यही था कि आप जिस दल से अभी जुड़े हैं समाज सुधारक पार्टी, उसका आखिर उद्देश्य क्या है, ये आज हमारे दर्शकों को बता दें। जी हमारी पार्टी का उद्देश्य है, समाज सुधारक पार्टी का, आरक्षण मुक्त भारत हो, नंबर एक। क्योंकि प्रतिभाएं निराश हो रही हैं और जिन लोगों को प्रतिभाएं जो हैं वो घर छुट रही हैं, जिन लड़कों को 90 और 95% पास हैं उन्हें आरक्षण के कारण घर लौटा दिया जाता है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और 35% 33% पर जो है आरक्षण के कारण लोग नौकरियां पा जाते हैं। और अभी मतलब ये आरक्षण जो 70 सालों से चला आ रहा है, अब फिर इसके 10 वर्ष बढ़ाए हैं, तो ये अन्याय है उन लोगों के प्रति, उन प्रतिभाओं के प्रति जो टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता और वो बाहर जा रही है, प्लान कर रही है। तो एक तो हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है कि आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिले, जाति के आधार पर नहीं। तीसरा हमारा उद्देश्य है किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, किसान की हालत जो भी सरकारें आती है, मैं समझता हूँ तो किसानों की तरफ इतना ध्यान नहीं देती, जहाँ 70% लोग किसान हों और किसानी से जुड़े हों वहाँ उनकी हालत इतनी बदतर, जहाँ आप ही देखिए कि 70% लोग जो एक गरीबी में जी रहे हैं, 30% लोग, क्या वहां खुशहाली होगी, क्या वो एक जैसे नवनिर्मित भारत जो है, आज भी किसान यहाँ इतने सालों के बाद, आजादी कितने सालों के बाद किसान खुशहाल नहीं है। तो हमारी पार्टी चाहती है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, किसान का जीवन स्तर ऊपर उठे और ये एक ऐसा भारत बने जिसमें खुशहाली हो और हम आगे बढ़े, ये हमारी पार्टी का एक ये उद्देश्य। और तो उसके लिए तो मास्टर जी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, संगठन भी तो कहीं ना कहीं कार्य करते रहते हैं उन्हीं चीजों को लेकर के, जी पार्टी का गठन क्यों करना पड़ा? जब तक सत्ता के सामने गिड़गिड़ाए लोग, अब तक हो रहा है यही। हम चाहते हैं जैसे समाज सुधारक में स्वर्ण लोगों का जो शोषण हो रहा है, हमने उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए ये पार्टी बनाई, ताकि राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में हो और हम उसके, इसलिए पार्टी का गठन। पिछले 15 सालों से हमारे राष्ट्रीय श्री भंवर सिंह जी चौहान इसमें लगे हैं, लेकिन मैं आखिर में आकर 2018 में पार्टी बनाई। समाज के लिए वो कार्य करते रहे लेकिन जब देखा कि इससे लोगों के सामने गिड़गिड़ाए बहुत, कहा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ आकर भूल जाते हैं, वहां जाकर भूल जाते हैं, इसलिए ये पार्टी बनानी पड़ी। और आने वाले समय में पार्टी हाथ में आए और ये कर सकें आरक्षण मुक्त भारत। जी अच्छा, अभी जो एक वैश्विक महामारी चल रही है आदरणीय मास्टर जी, COVID-19 जो वैश्विक महामारी चल रही है, तो प्रदेश स्तर पर समाज सुधारक पार्टी द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए वो संक्षेप में? हमारी पार्टी ने करीब 24,000 से अधिक मास्क वो बनवाए और बंटवाए। 22 दिन तक हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीनाक्षी चौहान ने 22 दिन तक गरीबों में खाना बंटवाया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने भी, और रीना पुंडीप जो मेरठ में कार्यरत हैं महिला मंडल की, जो शायद मंडल प्रभारी हैं, उन्होंने भी गरीबों का जो है ये मास्क बंटवाए और उन्हें गरीबों को खाना दिया। और अध्यक्ष जी ने तो भोजन के पैकेट बंटवाए उन्होंने गरीबों को जो है,
तो हम लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ये कोविड 19 जो है ये ना आए, इसके लिए जागरूकता की हमारे जो प्रतिनिधि हैं जैसे निकल रहे हैं तो उसमें तो वो जागरूकता ग्रामीण क्षेत्र में फैला रहे हैं। और बस यही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इससे जो है सजग रहे। ये वैश्विक महामारी है, इसकी विकरालता को हमने अभी जाना नहीं, नहीं तो 131 करोड़ के भारत में जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये इस पर जो है हमने ध्यान न दिया और हम सावधान न रहे। तो इसके लिए हम हमारी पार्टी लोगों को सजग करती है और जागरूकता फैलाती है समाज का। जी अच्छा मास्टर जी, मेरा जो अगला सवाल है आपसे, मेरे साथ पिछले दिनों राकेश टिकैत जी भी थे, उनसे भी मैंने एक सवाल पूछा था कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं, जैसे कोई भी समाज है, वो चाहे जाट समुदाय है, गुज्जर समुदाय है, राजपूत समुदाय है, तमाम चाहे हमारे दलित भाई हैं, एक जो कुरीति चली आ रही है जैसे दहेज प्रथा और ब्रह्म भोज, तो पंचायत और खाप पंचायत का आप इसमें क्या संबंध मानते हैं? जी हमारी राजपूत जो क्षत्रिय महासभा है उसको शुरू से ही मृत्यु भोज बंद कराया और मृत्यु भोज रही हमारे इससे सभा का एक विधान है उसमें ये बहुत ही हमने बंद दिया और क्षेत्र में इसे बंद भी कराया, मृत्यु भोज नहीं होगा। दूसरा दहेज प्रथा इतने खोखला कर दिया समाज को, जहाँ तक सवाल है लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौन अपनी बेटी को नहीं वो देता दहेज, लेकिन जब मांग होती है तो वहां पर समाज की विकृति सामने आती, इतना विकृत हो गया है समाज। इससे जो कहीं कहीं तो दहेज के कारण जो लड़कियां जिनका समाज में जो स्थान होना चाहिए वो स्थान नहीं पा सकती, पढ़ी लिखी लड़कियां, योग्य लड़कियां, वो निर्धनता के कारण वो अपना वो स्थान नहीं ले पाती जहां उन्हें जाना चाहिए, एक बात। और दहेज के कारण ही फिर वो संबंध मधुर नहीं रहते, आपस में रिश्ते मधुर नहीं रहते, तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है जिसके खिलाफ हमने सदा लड़ाई लड़ी है। और हमारी क्षत्रिय महासभा राजपूत महासभा जिसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ वो तो लगातार ऐसे जो दहेज के कारण जहाँ रिश्तों में खटास आया उनमें भी और जहाँ कोई भी विवाद आपस में उत्पन्न हुआ उनके भी निपटारे के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। और हमारे हरण के माननीय डिप्टी साहब थे और मोखम सिंह जी और लोग थे, अभी वर्तमान में ठाकुर रणधीर सिंह जी मेरे बड़े भाई रहे हैं, भाई ठाकुर कृपाल सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा समाज में, बहुत बड़ा योगदान रहा। भाई कृपाल सिंह जी हमारी इस क्षत्रिय समाज का जो संगठन था इसके कोषाध्यक्ष रहे, तो बहुत ईमानदारी के साथ वो अपने आप में जो है जितने भी लोगों को उन्होंने चुना उन सबने जहाँ भी झगड़े का कोई भी वो आया, हमने तारपुर का मामला एक निमटवाया जिसमें दो खून हो गए थे, उसके बाद जो है वो ब्राह्मणों का राजपूत का झगड़ा था वो राजपूत समाज में तो वो निमटवाया हमने। कितने ही मोला सिंह जी स्वर्गवासी हो चुके हैं छावड़ी वाले, उन्होंने वो उन्हें जो है इसमें रखा था हमने न्याय उसमें के समाज में जो भी इस तरह की विकृति हो उनके खिलाफ वो केस उन पर आते थे वो हमें सौंपते थे और फिर उन पर जो है हम वहीं ऑन स्पॉट जाकर उन्हें सुलझाते हमारी पंचायत। जी अभी आपने नाम लिया कृपाल सिंह जी का, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं मैं उन्हीं का पोत्र हूं, ठाकुर कृपाल सिंह जी का ही पोत्र हूं। मैं आपका धन्यवाद नेपाल सिंह, उन जैसे ले आती मैं उनके जितना समीप रहा हूँ
उनकी शैली, उनकी मधुरता और उनकी कोमल। तो हमारे गांव में मंदिर एक छोटे से जितना भी परिसर है उसमें आज 13 मंदिर बने हुए हैं। भाई कृपाल सिंह जी 22 सालों से उसके अध्यक्ष रहे, मंदिर प्रबंध समिति के, और मैं उस समय एक मैनेजर काम किया और उनके आदेश पर जो है मैं लगातार जितना भाई साहब को नजदीक से जाना है जैसे शख्सियत और जैसे एक बहुत ही और एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति वो और उसमें जो है उस दिन तक भी उनके साथ जो है हनुमान जी पीला खाते थे, आप बनवाइए और मुझे पर उन्होंने कई बार ऐसा मुझे पैसा दे दिया, अच्छा जो भी मंगवाना हो मंगवाओ। तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति और आप उनके पुत्र हैं, मुझे आज गर्व है इस बात का कि भगवान गुण उनमें थे, वो आप में थे और आप जो है लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। मैं ये कामना करता हूँ प्रभु से आपका बड़ी खुशी हुई आज क्योंकि भाई साहब बहुत अच्छी प्रवृत्ति जी। अच्छा मेरा सवाल है आपसे आदरणीय मास्टर जी, जैसे आपने बात करी, आप जैसे तमाम पंचायतों में ऐसे पंचायती बनकर के गए हैं, पंचायती के माध्यम से गए हैं, एक आंकड़ा है मेरे पास 60 से 65 पंचायतों में आप पंचायती बन गए, जो मामले जो पंचायत में आते थे तो अक्सर उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किन मामलों की हुआ करती थी, जैसे कि दहेज और तमाम जी जो दहेज के कारण जी विवाह तो हो गया लेकिन उसके बाद जो दबाव बढ़ाया जाता था लड़की पक्ष पर, तो लड़की की जो प्रताड़ना होती थी इस तरह से जो संबंध टूट जाते थे उनकी फिर पंचायत हुआ करती थी, तो वो अधिकतर मामले जो हैं कुछ दहेज के थे। कुछ ऐसे भी थे लड़कियों के साथ, जैसे मान लिया उनकी शादी, हरियाणा का एक मामला था, शादी हो गई, लड़की को कहा, चूंकि लड़की ग्रामीण क्षेत्र की थी और उसने जो है वैसे पढ़ी लिखी थी, एमए थी लेकिन सुशील थी, और वहां जाकर जो है उन्होंने कहा ये लड़की मॉडर्न नहीं है, तो और जैसा हम चाहते हैं शहर में इस तरह से रहते हैं वो रहे, तो कुछ इस तरह की भी थी कि जहाँ समाज की विकृतियां जो सामने आई, ऐसे भी झगड़े कितने थे लेकिन मोस्टली दहेज के थे जो सुलझाए गए, वो मोस्टली दहेज के जी। आदरणीय मास्टर जी मेरा अगला सवाल है आपसे गन्ना किसानों को लेकर के, गन्ना किसान प्रत्येक वर्ष सरकार से पेमेंट ना मिलने का दंश झेलता है और इस पर आपके प्रदेश सरकार को क्या सुझाव है जी? क्योंकि नेपाल जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी जी, पिछले तीन वर्षों से एक नया पैसा गन्ने के भाव में नहीं पड़ा। ये किसान तमाम जी, तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़ते रहते हैं, राकेश टिकेत जी थे और अभी शामली विधायक आदरणीय तेजेंद्र निर्वाल जी थे, उनके सामने भी मैंने जो है गन्ने की स्थिति रखी कहीं ना कहीं कि 3 साल से लगातार 325 रुपए प्रति क्विंटल का जो भाव मिल रहा है, जबकि 2017 के संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, अगर 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट नहीं होता तो ब्याज सहित गन्ने का पैसा दिया जाएगा किसानों को, एक बात। दूसरी बात, गन्ना किसानों का जो अभी स्थिति है पेमेंट को लेकर के, तो इस पर आपका क्या कहना है जी बताएं? पेमेंट के मामले में हमारा जिला पिछड़ा हुआ है जी, और जैसे टिकोला सुगर मिल, त्रिवेणी समुदाय और सरसावा नानो कोऑपरेटिव मिले भी हैं, उनमें भी पेमेंट कम से कितना ही एडवांस कर दिया हुआ है। टिकोला तो बिल्कुल 15 दिन रखता है पेमेंट का,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 14 दिन का नेट पेमेंट होना चाहिए। हमारी प्रदेश की सरकार जो फिलहाल माननीय गन्ना मंत्री है हमारे क्षेत्र में है, हमने भी ये सवाल आया कि गन्ने का भुगतान जो है वो समय के अंदर हो और वो नहीं हो रहा। बहुत ही पीड़ित है किसान। अब आप देखे जो भी फसल है गन्ना का, यहाँ गन्ना क्षेत्र है, गन्ना एक बेल्ट है, लोग अधिकांश गन्ना बोते हैं अपने वो गन्ना डाल देते हैं और पेमेंट आज तक हुआ। तो एक किसान इस वैश्विक महामारी में वैसे त्रस्त है और दूसरी बात उनका पेमेंट नहीं हो रहा, तीसरी बात गन्ने पर कोई भाव नहीं बढ़ा। किसान की हालत बहुत ही अत्यंत शोचनीय हो। तो इस पर हमारे प्रदेश सरकार से निवेदन है कि किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का कष्ट करें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था उस पर जो है 3 साल से कोई पैसा नहीं मिला। तो इस तरह की मुहिम जो है वो किसानों ने खूब सारी छेड़ी, संघर्षरत हैं जितने भी किसान संगठन हैं। तो उसमें जो है सरकारों से जो भी सरकारें पिछली आई हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सबके सामने किसान संगठन बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत ही दुख का विषय है। किसान की हालत आज बदतर है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हमारी लगातार उनसे प्रार्थना है। जी अच्छा, मेरा अगला सवाल है आदरणीय मास्टर जी आपसे। 2006 में फाइनल रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन की, जिसमें जिसमें C2+50 का फॉर्मूला दिया गया था। C2+50 के अनुसार किसान की इनपुट कॉस्ट प्लस उसकी लेबर कॉस्ट और उस पे 50% अतिरिक्त अनुदान। तो आपको मेरा सवाल ये है कि मतलब सरकार अभी तक स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो प्रदेश में क्यों लागू नहीं कर पाई? जी देखे जो सरकारें किसान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही जी, यही इसलिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने नहीं मानी। दिल्ली प्रदेश में मान ली गई, दिल्ली सरकार ने मान ली और 5 रुपए का रेट गेहूं का मिल रहा है किसान। यहाँ आज लेकिन दिल्ली प्रदेश में क्षेत्रफल कम है तो वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ किसान ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वित्तीय कहीं बोझ ना पड़ जाए इस वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जी? नेपाल जी ये सरकार की व्यवस्था है और जहाँ क्षेत्रफल अधिक होगा, जब देश में ऑलरेडी 70% से ऊपर किसान है ही और उन्हीं की बात सुनी जाती है, तो देखिए इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। और कृषि पर ये लोग जो बजट देना चाहिए कृषि को, कृषि को उभारने के लिए दूसरे देशों में जो बहुत कुछ किया जाता है, हमारे देश में किसानों की कोई सुनवाई है ही नहीं। कृषि पर इतना बजट बहुत कम रखा जाता है, इसलिए उसको बढ़ाया जाए और किसान नाम दिया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो ताकि किसान की स्थिति सुधरे। लगातार सदियों से करते आ रहे हैं, हमने देखा है जो जिन्होंने हमारे साथ के जिन्होंने बिजनेस अडॉप्ट कर लिया वो बहुत सारे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन हम इस किसानी से जुड़े हैं, किसान इस प्रकार किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तो इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, कृषि का बजट बढ़ाना चाहिए और को जो है वैज्ञानिक तरीके से सरकार को अनुदान और जो आधुनिक यंत्र उन सबको किसान को देना चाहिए। तो ये हमारी बात जी। अच्छा, जब पहले बीजेपी के कुछ नेता विपक्ष में थे तो वो 450 रुपए प्रति क्विंटल की बात करते थे गन्ना समर्थन मूल्य की, लेकिन गन्ने का मूल्य 3 साल से लगातार 325 रुपए प्रति क्विंटल है। तो आप
इस ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जी देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि हमारे माननीय मंत्री जी जिस टाइम विधायक थे लेकिन सपा की गवर्नमेंट थी, उस टाइम खुद उनका अपना एक स्टेटमेंट था कि जब हम सरकार में होंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 450 रुपए गन्ने का रेट देंगे। और अब संयोग से मान्य विधायक जी खाना भाग के वो गन्ना पत्री भी हैं और उनसे जब मिलते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, इसकी तरफ मान्यवर आप ध्यान दें और जी किसानों की जो हालत है उसे सुधारने में जो है अब आपके हाथ में है, ये गन्ने का पेमेंट कराइए, लेकिन और वो बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लोज है जी, इसी पे सलाह रहे की गई और कहा भी कि किसानों किसान की हालत इतनी खराब है कि ये स्टेटमेंट तो दे देते हैं लेकिन उस पर जो है कार्य नहीं होता, कथनी और करनी बड़ा अंतर दिखा है। किसानों के से वायदे किए जाते हैं फिर वो पूरे नहीं होते, और हमने तो ये देखा कि किसान की अपेक्षा सरकार कर जबकि नहीं होना चाहिए। इसी से जुड़ा एक मुद्दा है, आप जैसे पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं गन्ना समिति थाना भवन के, गन्ना सोसाइटी खाद यूरिया देती है और लेकिन उस पर ब्याज लेती है, जबकि गन्ना किसान का पैसा जो है साल भर सुगर मिल के पास रहता है उस पर कोई ब्याज नहीं है, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे प्रदेश सरकार को? जी समिति की जब भी बैठक होती है जी, उसमें किसान जो मांग करते हैं किसानों की उन्हें खाद और दवाएं जो सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, जिस दिन वो किसान को दिया जाता है उसी दिन से ब्याज उस पर शुरू हो जाता है जी, और गन्ना किसान अपना गन्ना डालने के बाद एक एक वर्ष तक भी उसका पेमेंट नहीं होता, ब्याज तो दूर की बात है, पेमेंट भी साल भर में मिलता है। इसके लिए क्योंकि हम तो जनप्रतिनिधि थे, लोगों ने चुनकर भेजा हमें गन्ने के रूप में, तो हमने यही बार बार मांग भी की और कहते किसान के साथ ये अन्याय हो रहा है। सरकारें वो चाहे कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले या खाद ले वहां पर भी उसी दिन से ब्याज, वो चाहे गन्ना सोसाइटी से ले और या वो बैंकों से ऋण उसे उसी दिन से ब्याज देना पड़ता है। और किसान अपनी फसल डालकर मिलों में गन्ना डाल देता है, उसके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता, उससे कोई ब्याज मिलता भुगतान भी समय पर नहीं होता जी, तो इससे किसान पीड़ित है और हमारे किसान संगठन मांग करते आए हैं कि 14 दिन के अंदर हमारे किसानों को गन्ना का भुगतान किया जाए ताकि किसानों की स्थिति सुधरे। इस तरफ सरकारों का उपेक्षा का रुख है वो इस बात को सुनते नहीं जबकि किसान संगठन बार बार इस बात को उनके सामने रखते हैं, ज्ञापन देते हैं और मांग करते हैं, हड़ताल होती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं, सरकारें इस ओर जो है ध्यान नहीं, इसीलिए जो है पीड़ित है जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आदरणीय मास्टर जी आपसे चलते चलते, किस मोदी सरकार ये कह रही कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो इसमें आपको कितना सच लगता है? मान्यवर नेपाल जी दुगुने की बात तो अलग रही, उनका अब आप ये देखे कि अगर हम जो किसान की लागत है जी उसे देखते हुए जो भाव मिलने चाहिए थे वो भाव नहीं मिले हैं, जैसे गन्ने पर एक भी पैसा 3 साल से नहीं बढ़ा,
जब खाद का, तेल का, दवाइयों का और मजदूरी वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर लागत बहुत अधिक आ रही है, लेकिन उसके भाव नहीं बढ़ रहे। मैं समझता हूँ कि दुगुनी तो क्या मिलेगी उसके सही टाइम पे उसका फसल का पैसा मिल जाए तो किसान की अभी ठीक है, लेकिन उसकी मूल्य नहीं इतना थका मिले, कम से कम जो निर्धारित किया है वो तो मिले। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने रामायण में चार प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। एक तो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हुए हैं जो करें ही न कहें, दूसरी प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो कहें ही सो करें ही, और तीसरी प्रकार के वो हैं जो कहें ही न करें, और चौथी प्रकार के वो हैं जो न कहें ही न करें। तो हमारी भाजपा सरकार क्या, हमारी सारी सरकारें ऐसा लगता है कि वो कहें ही न करें, पर कहना है, करना कुछ है ही नहीं। तो वो वादे करती हैं और वादा करने के बाद उन्हें पूरा नहीं करती, और जब चुनाव के बीच जनता के बीच में जाते हैं जनता उनसे फिर कहती है लेकिन क्या करें, बनाएंगे वो भी ऐसा ही हो जाएगा, जनता ऐसा ही, जिसे जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं कि वो हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से जो है सुनेंगे, वहां रखेंगे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम निराश होते हैं, किसान निराश हो जाता है, उसके साथ वायदे किए जाते हैं और वो सब वायदे पूरे नहीं किए जाते तो किसान बड़ा निराश हो जाता है। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब तक भारत की सरकारें कोई भी आए, किसान को उसकी पीड़ा को नहीं समझेगी तब तक भारत उन्नत नहीं होगा, भारत खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा, और गांधी जी भी यही मानते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है, और किसान मसीहा जिन्हें कहते हैं चौधरी चरण सिंह जी, वो भी कहते हैं कि प्रगति का रास्ता, भारत की प्रगति का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। गांव से खेत और खलियान से होकर के गुजरता है जी। हाँ, तो यही बात है, जब तक भारत को अगर समुन्नत करना चाहोगे, इसे खुशहाल करना चाहोगे तो किसान को खुशहाल करना पड़ेगा, उनकी फसलों का मूल्य और उनकी लागत ये सब कुछ ये उसे देना और सरकारों को देना चाहिए जी। बहुत ही बेबाकी से आपने मेरे सवालों के जवाब दिया आदरणीय मास्टर जी आपने। तो आप चलते चलते क्षेत्रवासियों को इस COVID-19 महामारी के चलते क्या अपील करना चाहेंगे जी? मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि COVID-19 से ये एक वैश्विक महामारी है, इसकी भयंकरता को हम समझ नहीं रहे हैं। भारत में उतने संसाधन है ही नहीं, जितनी हमारी आबादी है। इसका देखिए, अमेरिका जैसे देश जहां ना धन की कमी ना साधनों की कमी, और उसके बाद भी वो असहाय से हैं, कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पा रहे इस महामारी को। मेरा निवेदन है क्षेत्रवासियों से कि वो डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आवश्यकता हो तभी अब घरों से निकलें, और किसान लोग तो खासकर अपने खेत खलियान में जाते हैं तो कम से कम मास्क का प्रयोग करें और इस डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और जब अपनी जरूरत के लिए बाहर कस्बों में जाए सामान के लिए तो बड़ी सतर्कता से लोग जो है अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अपना मास्क लगाकर जाएं, और जरूरी हो तो बाहर जाएं, अन्यथा क्योंकि खेत खलियान में हम जाते हैं हमारी फसलें बू भी रही हैं, कट भी रही हैं, किसान के लिए इतनी बड़ी कोई दिक्कत भी नहीं कि हम, लेकिन फिर भी अगर ये महामारी गांव में चली गई तो भारत बचेगा नहीं, बहुत भयंकर बड़ी विकराल स्थिति हो जाएगी जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। ये अपने मुंह मास्क लगा कर रखें, बात करें सोशल डिस्टेंसिंग का, ये मेरा निवेदन जी। आदरणीय मास्टर जी, आपने अपना मूल्यवान समय दिया ग्रामीण भारत संवाद को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। अरे, मैं लेता हूँ।
और भगवान आपको इतना बढ़िया चमका है, मेरा ये मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ो और इतना बढ़िया आपके बाबा जी का नाम था, आपके पूर्वजों का नाम था, शशि सिंह के नाम को लोग बाग दूर दूर तक जानते हैं, दूर दूर तक उनकी वो विख्यात थे, तो उसी तरह से आप अपनी परिवार से बिलोंग करते हैं, मुझे बड़ा हर्ष है और मैं पांच से आपको जो दोस्त जी धन्यवाद जी नमस्कार।